नॉगेस कल हम लोगों ने पार्ट वन देखे थे करेंट अफेयर का, और आज पार्ट टू है यहाँ पे, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा करेंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, IMF ने अप्रैल 2024 में पूर्ण अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान क्या है? 6.5% है, 6.8% है, 7.0% है, 6.2% है। आंसर हो गया 6.8% हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, 15 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आतंकवाद के मुकाबला पर भारत और फ्रांस के संयुक्त कार्य समूह की बैठक, 16वीं बैठक की दौरान मुख्य विषयों पे क्या चर्चा हुई थी? आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से निपटने की चुनौती या अंतरिक्ष अन्वेषण। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आतंकवाद से निपटने की चुनौती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई थी, या बिश्केक में की गई थी, बीजिंग में की गई थी, या टोक्यो में की गई थी? अलग अगर मैं कैसे बात करूँ तो किर्गिस्तान बिश्केक में की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, कौन सा शब्द उस घटना का वर्णन करता है जहाँ पे किसी देश की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आती है और जिसकी मृत्यु की तुलना में कम जन्म होती है? यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, या जनसंख्या उछाल, या जनसंख्या पतन, या जनसंख्या विस्फोट। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, जनसंख्या पतन हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले, कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है और संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है? यहाँ पे इटली, ग्रीस, जापान, या दक्षिण कोरिया? आंसर हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार की तारीख क्या थी? यहाँ पे 13 अप्रैल 1919, 15 मई 1920, 10 मई 1918, 5 जून 1921। आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ पे हुआ था? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता? अमृतसर हुआ था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट देखिए जलियांवाला बाग में निहत्ते भीड़ पर गोलीबारी का आदेश देने के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जनरल मोंटगोमरी था यहाँ पे, जनरल डायर था, बिल्कुल जनरल डायर हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नल स्मिथ भी नहीं हो जाएगा, मेजर ब्राउन भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म तिथि क्या थी? यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 था यहाँ पे, या 15 मई 1920 था, 10 मार्च 1918, 5 जून 1921। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, 5 जून 1921 हो जाएगा, एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, डॉक्टर BR अंबेडकर भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारतीय संविधान का वस्तुकार, या भारतीय के प्रधानमंत्री, भारत के छोड़ो आंदोलन के नेता, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के वस्तुकार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विश्व क्वांटम दिवस किसका स्मरण किया जाता है? यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन का किया जाता है क्या? जी नहीं, यहाँ पे नील्स बोहर को भी नहीं किया जाता है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्वांटम सिद्धांत का विकास मैक्स प्लैंक का भूमिका क्या थी? उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था क्या यहाँ पे, या समान सापेक्षित का सिद्धांत तैयार किया था यहाँ पे? उन्होंने कुंती जेद ऊर्जाओं का अवधारणा पेश किया था, बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हथियार प्रणाली का परीक्षण कहाँ पे आयोजित किया गया? चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया, या इसरो बेंगलोर में किया गया था? नहीं, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था, राजस्थान, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, इसराइल पे ईरानी हालिया में हमला का कारण क्या था? यहाँ पे दमिश्क में ईरानी वाणिज्यों की दूतावासों पे इसराइलों का हमला, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरानी परमाणु के हथियारों का गुप्त खोज नहीं हो जाएगा, एंड सी डी नहीं हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ईद अल फितर कब आता है? यहाँ पे रमजान की शुरुआत में, या रमजान के तीसरे सप्ताह में, या रमजान के अंत में, रमजान के आखिरी शुक्र में? अगर मैं इनके आंसर करूँ, रमजान के अंत में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विकास अध्यक्ष के क्षेत्र में
जेएनयू ने विश्व स्तर के कौन सा स्थान हासिल किया है? 10वीं, 20वां, 30वां या 40वां स्थान? आंसर हो जाएगा 20वां स्थान हासिल किया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, किस विश्व जेएनयू भारत की वर्ष रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है? यहाँ पे भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, आधुनिक भाषाएं, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून। हाल ही का आंसर हो जाएगा भूगोल, इतिहास, आधुनिक भाषाएं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, ईवीएम के संदर्भ में VVPAT का क्या मतलब है? यहाँ पे स्थापत्य, मतदाता पत्र, ऑडिट्रोल, जिन्हें वोटर वेरीफाई पेपर, ये भी नहीं हो जाएगा, वोटर वेरीफाई पेपर, ऑडिट्रोल हो जाएगा। एंड सी करेक्ट आंसर होगा डी, नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 1990 के दशक के दौरान भारत के संगठन EBM का विकास और परीक्षण किया था यहाँ पे, तो किसने परीक्षण किया था यहाँ पे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये नहीं किया था यहाँ पे। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब BEL के द्वारा किया गया था, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन विश्व हेमोपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 5 जून को, या सॉरी 5 मई को, 15 जून को। आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, विश्व हेमोपैथी दिवस किससे सम्मानित किया जाता है यहाँ पे? डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन को, या डॉक्टर सैमुअल हेमिंग को, या डॉक्टर लुइस पाश्चर को, या डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैमुअल हेमिंग को, एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक स्वीट गार्ड जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नासा को, इसरो, चंद्रयान 3 मिशन टीम को? यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लियो वाडियार बने हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं यहाँ पे, साइमन हैरिस बने हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल भी नहीं बने, एंड ये भी नहीं हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया गया है? अखाड़ा गुजरात में किया गया, जयपुर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में, चेन्नई तमिलनाडु में? आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु, आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 में शुरुआत का प्रतीक है? यहाँ पे उगादि, या गुंडी पड़वा, या चैत्र शुक्लादिया, या चैटी चंद्र? आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्लादि, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, उगादि को नए साल के दिन के रूप में किन राज्यों को मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका को, महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर को? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, गुंडी पड़वा उत्सव के दौरान घरों के बाहर क्या उगाया जाता है यहाँ पे? ए सयाजा हुआ खम्बा को, ए रंगील डिजाइन को, ए पारंपरिक झंडा को, आम के पत्तों पर एक माल? हालिका अगर मैं इनका आंसर बात करूँ, ए सजाया हुआ खम्बा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कौन सा समुद्री चिट्टी चंड को अपने नए साल के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे? बंगाली, सिंधी, पंजाबी, गुजराती? हालिका सिंधी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, मोंटो कार्लो मास्टर्स में मुख्यतः डाक्टर मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने यहाँ पे? विजय अमृतराज बने हैं, रेशम कृष्ण बने हैं यहाँ पे, या सुमिता नागल बने हैं? बिल्कुल सुमिता नागल हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था यहाँ पे? स्वास्थ्य जीवन, सुखी जीवन, यहाँ पे मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, वैश्विक कल्याण, जागरूकता, या सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा? हाल ही का आंसर हो जाएगा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 1 मई को, 15 जून को? आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना
आयकर रिटर्न कब दाखिल कर सकते हैं यहाँ पे, 1 जनवरी 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को, 1 जुलाई 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को। आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, 8 अप्रैल 2024 को आयोजित परिवर्तन चिंतन त्रिसेवाएं सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या थी यहाँ पे, चल रहे सैन्य अभ्यास का समीक्षा करें यहाँ पे, या संयुक्त और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचारों सुधार का उत्पन्न करना, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है यहाँ पे, जनरल बिपिन रावत है क्या, बिल्कुल नहीं यहाँ पे, एडमिरल करमबीर सिंह है क्या, जी भी नहीं यहाँ पे, जनरल अनिल चौहान है, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जूरी सदस्यों के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप इतिहासकार रचने के लिए कौन तैयार है, पीटी उषा तैयार है क्या, या बिलकस मीर तैयार है, या मेरी कॉम तैयार थी, हालिका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया है, इसे बढ़ाया जाएगा, इसे कम कर दिया जाएगा, बरकरार रखेगा, इसे समाप्त कर दिया जाएगा, एंड बरकरार रहेगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, रेपो रेट क्या है यहाँ पे, वह दर जिस पर बैंक से आरबीआई से धन उधार देता है क्या, जी नहीं यहाँ पे, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है क्या, जी नहीं, वह दर जो बैंक को आरबीआई से, ठीक है, बैंक जो है आरबीआई से धन उधार लेता है, बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, एंड भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीन का माध्यम से कौन सी नए कार्य क्षमताओं का सक्षम करेगा यहाँ पे, धन निकासी या धन हस्तांतरण या नगद जमा या मुद्रा विनियम, आंसर हो जाएगा नगद जमा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, अप्रैल 2024 में SSC और DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया गया है, पोखरण में किया गया है, इसरो शेयर केंद्र में किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, या चांदीपुर परीक्षण में किया गया, आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के द्वारा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ कौन सी साइंस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 10 मई को, 15 जून को, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 अप्रैल को, एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी आधारित घड़ी और चंद्रमा के एक व्यक्ति के बीच औसत समय का अंतर क्या होगी, यह हमेशा एक जैसे होती है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई अंतर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रो सेकेंड तेज होगी क्या, बिल्कुल नहीं यहाँ पे, पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रो सेकेंड खो देगी, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, UPI का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस होता है यहाँ पे, या एकीकृत भुगतान एकीकरण होता है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस होता है यहाँ पे, हालिका अगर मैं इनका आंसर बताऊँ तो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लेन देन में 2023 की दूसरा छमाही में UPI भुगतान की वृद्धि हुई है, व्यक्तिगत से व्यक्तिगत लेन देन, या व्यक्तिगत से व्यापार लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, या बैंक टू बैंक लेन देन, हालांकि आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत से व्यक्तिगत लेन देन हो जाएगा, एंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, कैंसर के लिए भारत का पहला घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है यहाँ पे, तो नेक्साकार 90, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बी सी डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया यहाँ पे, तो अब्दुल फतल अल सीसी को चुना गया है, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा, बी सी डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का चीन में नाम क्या है यहाँ पे, जंग नान है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिंग जैंग नहीं हो जाएगा, बीजिंग और शंघाई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आयोजित भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास क्या है, ऑपरेशन स्काई बोल्ट है,
या थंडर वोल्ट अभ्यास है पे, गगन शक्ति अभ्यास है, ऑपरेशन टेजर स्टॉर्म है यहाँ पे, हल्का अगर मैं कैंसर की बात करूँ गगन शक्ति अभ्यास यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2024 के यूनान रक्षा बल को किस प्रकार के विमान आपूर्ति किया पे, बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर या डोनियार 228 या एयरबस 320 या लॉकहीड मार्टिन F-16। हालांकि आंसर हो जाएगा डोनियार 228 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डब्लू मंडल स्थित विवाद द्वारा क्या नाम दिया गया, अंडमान द्वीपों का समूह या कच्छा टापू डी, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड बी को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की परिचालन कब हुई थी, यहाँ पे 1 अप्रैल 1935, बिल्कुल यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी सी डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस स्थान पे सरकारी खाताओं और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथों में लिया था, पे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंग्लैंड, बिल्कुल हालिया ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, एंड सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, किस आयोग की सिफारिश के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, साइमन कमीशन, बटलर आयोग या हिंटन यंग कमीशन या हंटर कमीशन, आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कुछ मई मंथ का करेंट अफेयर ये था, आगे कुछ और भी करेंट अफेयर होगी, हम आगे काफ़ी सारा पार्ट लेके आते रहेंगे। थैंक यू, हैव नाइस टाइम।